आश्लेषा माता जी फॉर आस्किंग दिस वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। माता जी बोल रही हैं कि देखिए आपने बताया कि इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब इच्छा तो हम लोग समझते नहीं है, एलिवेटेड हो जाए तो समझ में आ जाएगा। आज्ञा समझ में आती है ना, कि हमें हमें ये आज्ञा दी गई है तो हम ये कर रहे हैं। तो अब सपोज कीजिए कि गुरु कुछ चाहते हैं तो हमें क्या उनसे उनकी आज्ञा प्राप्त करके फिर कार्य करना चाहिए? जब भी गुरु कुछ चाहते हैं हमको उनसे आज्ञा प्राप्त करके कार्य करना। हर बार गुरु अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। और हर बार वो आज्ञा दें ये भी जरूरी नहीं। सपोज कीजिए वो बिजी है तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल समझ लीजिए। हमें क्या करना है कि हम अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग यहाँ पर करेंगे, परंतु कब? जब हमें कोई भी डिविएशन नहीं दिख रहा। अगर थोड़ा सा भी डिविएशन दिख रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बाय द वे क्वेश्चन स्क्रीन पे है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, तो हमको उस स्थिति में अपनी बुद्धि अनुसार कार्य नहीं करना। ठीक है, परंतु अगर हमें जीरो डाउट है, जीरो जरूरी नहीं है कि हम परफेक्टली जान लियो, ये नहीं जरूरी है। हमको अपने में संदेह नहीं होना चाहिए, हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग में आपको संदेह है तो बिल्कुल आज्ञा प्राप्त करके ही आप कार्य कीजिए। इच्छा का पालन हम कब कर सकते हैं? इच्छा का पालन हम तभी कर सकते हैं जब हम जीरो डाउट है, ये उन्होंने बोला है ये फाइनल है। जैसे कृष्णा ने बोला भक्तों का नाश नहीं होता, अब कृष्णा ने बोला ये फाइनल है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, जीरो डाउट है, जीरो। ठीक इसी प्रकार से अगर गुरु की आज्ञा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर आज्ञा नहीं हो करके इच्छा हो और इच्छा भी इस प्रकार की हो कि हमें जीरो डाउट है, तो आप कार्य कीजिए बिना बिना अब परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए गुरु को हैसल करना हमारा कार्य नहीं, जाके हम तंग करें वो कार्य नहीं है। करना चाहिए कब? जब हम डाउटफुल है, हमको डाउट है तो जाकर के पूछिए, है ना। जब डाउट नहीं है तो फिर कार्य की जीरो डाउट है, जरूरी नहीं है। इस स्थिति में भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो जीरो डाउट है उसमें भी आप गलत अंडरस्टैंडिंग लेकर के गलत कार्य करने लगते हैं। जीरो डाउट बहुत महत्वपूर्ण। बहुत लोग मालूम है मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं और उनको मालूम रहता है कि मेंटल स्पेकुलेशन हो रहा है, परंतु फिर भी बोलते हैं कि हमको डाउट ही नहीं था, है ना। तो ये तो झूठ बोलने वाली बात है ना, अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को झूठ बोल रहे हैं। तो गुरु को यार झूठ बोलिएगा, गुरु के साथ ये सब खेल मत खेलिए, कोई लाभ नहीं है। परंतु अगर जीरो डाउट है और फिर भी अगर गलती हो गई, ऐसा हो सकता है ना कि हमें तो डाउट नहीं था परंतु हम पूरी तरीके से एकदम गलत समझ लिया, तो भी उसमें कोई हानि नहीं है, उसमें कोई हानि नहीं है, कोई गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। समझ गया? अगर आपने पूर्ण रूप से जानने का कोशिश किया, आपको सब कुछ यही समझ में आया परंतु फिर भी गलत समझे, अब गलत कार्य कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं। मालूम है क्यों गलती नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर घंटों घंटों बात किया जा सकता। इसलिए गलती नहीं है क्योंकि कृष्ण आपका हृदय चेक करते हैं। आपका हृदय समर्पण का था, शुद्ध रूप से आपने कार्य किया, बस यही तो चाहिए। आप परफेक्टली कभी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु आपने अपने हृदय से तो परफेक्टली कार्य किया, आपने समर्पण के रूप में कार्य किया ना, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं लगाया ना, वापस से जीरो डाउट था ना, हो गया परफेक्ट। अमेजिंग है ना।
गलत करके भी परफेक्ट हो सकते हैं, परंतु शुद्धता रहे तो, बहुत बड़ी बात। गलत करके भी परफेक्ट हो सकते हैं परंतु शुद्धता रहे तो, है ना? क्योंकि गलत और सही हम नहीं समझ सकते, गलत और सही तो भगवान जानते हैं, ना? हरे कृष्ण, आई होप आई आंसर। हरे कृष्ण, बहुत बहुत अच्छा जिज्ञासा, बहुत अच्छा जिज्ञासा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। इस प्रकार की जिज्ञासा बताती है कि आप दृढ़ता से सोच रहे हैं, जो बातें हुई बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अरे चलिए, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और क्लास भी फिर एंड करते हैं।